कितना सुंदर सुंदर बना है, देख सकते हैं पूरा शानदार। हाय गाइज, माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी जो टाइम हो रहा वह 10 बज रहा, तो आज हम आपको घोटरा बना के दिखाने वाले हैं। ऐसे गांव में से पिट्ठा भी कहते हैं। घोटरा बनाने के लिए चावल का आटा और खोवा की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे कई भी चीजों से घोटरा बनाया जाता, बट आज जो हम घोटरा बनाने वाले हैं उसमें चावल का आटा और खोवा की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद घोटरा बना के हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज, खाना में आज खिचड़ी बनाया और खिचड़ी को थाली में ले रहे हैं और उसके बाद खाना खाएंगे। और ये है चरौरी। तो घोटरा बनाने के लिए चावल का आटा लगने वाला है, जो आपको दिखा रहे हैं ये चावल का आटा है। और ये खोवा जो कि गांव से आया है, जो कि बहुत तो खा चुके हैं और थोड़ा बचा हुआ है, तो जिसका हम घोटरा बनाने वाले हैं। इतना से घोटरा बन जाएगा, पूरा शुद्ध खोवा है जो कि माँ ने गाँव से भेजी है। तो सबसे पहले हम इसको फाड़ते हैं। इसमें डालते हैं इस थाली में गर्म पानी है जिससे हम आटा सानने वाले हैं। तो आपको आटा अच्छी तरह से गूंथना है जिससे आपका घोटरा पूरा शानदार बन सके और मुलायम भी बन सके। दीदी अब आटा गूंथ कर देख रही है कि मैंने कैसा आटा गूंथा है। फाइनली पूरी तरह से आटा गूंथा गया है। तो फाइनली देख सकते हैं कि घोटरा पूरी तरह से भरा गया है। बस दो पीस और बचा है भराने के लिए, वो भरा जाएगा, उसके बाद उसमें डाला जाएगा। तो देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया। तो गाइज अब ये पूरे तरह से हो गया, तो इसको निकाल लेते हैं। कितना सुंदर सुंदर बना है, देख सकते हैं पूरा शानदार। एक एक करके निकाला जा रहा है। घोटरा बनाने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सरल तरीका से बन जाता है। आपको जैसा कि मैंने बताया, पहले चावल का आटा को गर्म पानी से सानिए, उसमें थोड़ा चीनी भी डाल दीजिए, उसके बाद सान दीजिए सही ढंग से जैसे गेहूं का आटा सानते हैं। उसके बाद खोवा में थोड़ा मूंगफली भूंज कर डाल दीजिए, थोड़ा चूर कर। उसके बाद खोवा में मिक्स कर दीजिए। उसके बाद फिर पिट्ठा में खोवा भर दीजिए। देख सकते हैं एक एक करके डाला जा रहा है और बहुत ही सरल विधि से बन जाता है और खाने में बड़ा ही मज़ा आएगा। अगर आपका भी खोवा गांव से है, मतलब गांव से मतलब अपना शुद्ध खोवा है, तो उसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अगर ख़रीद कर लाते हैं मार्केट से, तो वो खोवा शुद्ध नहीं रहता, तो थोड़ा टेस्ट में कमी रह सकता है। फाइनली ऐसा पिट्ठा बना जो बड़ा ही शानदार बना है, आप देख सकते हैं।